जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, AIOU इंफॉर्मेशन विद ब्यूटी ऑफ नेचर्स चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपका ट्यूटर, आपका टीचर हाजिर है और एक नए न्यूज़ के साथ, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे गर्दश तो कर ही रही है और आप लोगों को कहीं ना कहीं से लिमिटेड टाइम ऑफर्स में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट हो ही जाती है, मिल ही जाती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ऑथेंटिकेटेड ज़राए के मुताबिक AIOU से हमारा कंसर्न है, इसलिए मैं अपने जो स्टूडेंट हूँ जिनके मैं इस सेमेस्टर में ट्यूटर हूँ उनके लिए भी, और बाकी जो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने आप अपने फ्यूचर को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए मैं ये दोबारा हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप लोगों को बर वक्त इसकी अतला से आगाह किया जा सके। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हुकूमत ने तो 15 जून तक इम्तहान मुलतवी किए हैं, तो यूनिवर्सिटी ईद के बाद कैसे इम्तहान का शेड्यूल कर सकती है? अच्छा सवाल लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं इस किस्म की जो है ना बातें सोशल मीडिया में। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, इसमें यही है कि ईद के जब ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो आप जो है ना, ज़ाहर है आपका जो ऑलरेडी रीशेड्यूल्ड है आपके जो पेपर उसमें तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो ही ईद ये ख़त्म होती है और ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो इम्तहान का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन आप लोगों को यूनिवर्सिटी दोबारा रीशेड्यूल करवाएगी आपकी डेट शीट वगैरह, और आपको दोबारा रोल नंबर स्लिप्स और डेट शीट आपके घरों में भी अरसाल होंगी और नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे लग जाएगा और आपको डिसीजन से आगाह भी किया जाएगा। तो इन न्यूज़ के साथ साथ आपके ये तो कन्फर्म है, पेपर होंगे, इम्तहानात होंगे, ईटीए के चक्कर में नहीं रहना, ईटीए के चक्कर में नहीं रहना स्टूडेंट, इसलिए तैयारी कीजिएगा। और इस चैनल पे AIOU इंफॉर्मेशन विद ब्यूटी ऑफ नेचर्स पे लेक्चर्स इस वक्त अपलोड हो रहे हैं, और इस वक्त जो लेक्चर हो रहे हैं वो कोर्स BS उर्दू के हो रहे हैं, चूंकि इस दफ़ा BS उर्दू के स्टूडेंट हैं मेरे पास, तो उनके लिए फिलहाल मैं कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। बाकी स्टूडेंट्स से जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद इस चैनल पे, ओनली इस चैनल पे AIOU इंफॉर्मेशन विद ब्यूटी ऑफ नेचर, याद रखिएगा ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि खुदा की कुदरत की खूबसूरती का एक लाजवाब तोहफा जो हम हर रोज़ देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें अपलोड करने वाला हूँ कि ब्यूटी ऑफ नेचर में उसमें एजुकेशन भी शामिल है। और इस ब्यूटी ऑफ नेचर की सबसे एक मिसाल ये भी है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, जिसकी लिए मैं आपके एज ए ट्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव समझ लें कि मैं हाजिर होता हूँ और आप लोगों को अपलोड कर सकता हूँ। तो ये कन्फर्म है स्टूडेंट्स के पेपर होंगे और रीशेड्यूल होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डेट शीट दोबारा आपके घरों में भेजी जाएंगी या आप लोगों को अपलोड कर दी जाएंगी वेबसाइट से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों मेथड जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी पहले ही अडॉप्ट किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंगली सारे का सारा प्रोसेस होगा और पेपर होंगे। लिहाजा इन लेक्चर से जो इस चैनल पे अवेलेबल हैं AIOU इंफॉर्मेशन बेबी ऑफ नेचर कोर्स कोड 9002 उर्दू से BS कोर्स के, तो यहाँ से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं, और आप यहाँ से सुनने के बाद आप लोग अपने एग्ज़ाम की इन शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी एक न्यूज़ के यूनिवर्सिटी ईद के बाद फैसला करने जा रही है कि कब से आपके दोबारा पेपर स्टार्ट होंगे। तो COVID-19 की जो सिचुएशन जो ऑलरेडी बरकरार है इसमें अल्लाह की तरफ से अगर कोई बेहतरी आ गई तो डेफिनेटली इसमें भी दोबारा रीशेड्यूल हो सकते हैं। तो ये थी एक नई न्यूज़, तो उम्मीद करता हूँ आप इसके मुताबिक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।